पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बुधवार शाम को आए तूफान में अब तक 85 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और तूफान के चपेट में आने से भारी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण आए इस भीषण तूफान से आम जनजीवन को तहस नहस कर दिया है। वहीं विभाग ने 48 घंटे का अलर्ट जारी कर दिया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने यूपी के 19 जिलों में 64 लोगों की मौत की पुष्टि की है। इनमें से 43 लोगों की मौत अकेले आगरा में हुई है। इसके अलावा बिजनौर में 3, सहारनपुर में 2, चित्रकूट, रायबरेली और बरेली में एक एक व्यक्ति की मौत तूफान की चपेट में आने से हुई है। वहीं कानपुर देहात में भी 3 लोगों की मौत की खबर है। इस बीच यूपी के 31 जिलों में 5 मई तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 24 घंटे में 4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके अलावा गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए की सहायता देने के निर्देश दिए गए हैं। आगरा के शहरी क्षेत्र की बजाय ग्रामीण इलाकों में अधिक तबाही हुई है। करीब 90 मिनट तक आंधी, बारिश और ओलों के कहर से सैकड़ों पेड़ उखड़ गए और शहरी क्षेत्र में होर्डिंग्स गिरे हुए मिले। देहात में कई मकानों की छत ही उड़ गई। तूफान से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में 43 लोगों की मौत हो गई है। इनमें सबसे ज़्यादा 15 लोग खैरागढ़, 10 फतेहाबाद, एतमादपुर में 2 लोगों की तूफान की चपेट में आने से मौत हुई। घायल है और जो 12 डेड बॉडी में है इसमें 3 बच्चे शामिल हैं। घायलों का इलाज चल रहा है और ऐसी कोई घायलों के साथ में स्थित नहीं है कि गंभीर है और 2 ओपन उनके घाव हैं, बाकी सब ठीक है। मतलब उनके परिजनों का आरोप है इलाज नहीं मिल रहा है टाइम से? नहीं, हम लोग मौके पर तुरंत आ गए थे और बाकायदा यहाँ पर सभी जिम्मेदारी के साथ में इलाज कर रहे हैं। तो कुदरत का ये कोहराम उत्तर प्रदेश और राजस्थान में देखा जा रहा है। 85 से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो तूफान की चपेट में आ गए हैं और इनकी संख्या आगे भी बढ़ सकती है। बड़ी संख्या में लोग इस कहर से घायल हुए हैं, अभी भी खतरा टला नहीं है। 48 घंटे का अलर्ट मौसम विभाग ने दोनों ही इलाकों में जारी किया है। 64 लोगों की मौत की खबर आ रही है। आगरा में तूफान से 40 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। तूफान से ग्रामीण इलाकों में भारी तबाही की खबर मिल रही है। सीएम आदित्यनाथ ने यह आदेश दिया है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए, पीड़ितों को राहत मुहैया कराई जाए। लेकिन कोहराम जो मचा हुआ है वो आप देख सकते हैं। जेपी गुप्ता साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर मौसम विभाग की ओर से। गुप्ता साहब, क्या जानकारी मिल रही है अभी तक? हमने देखा है कोहराम जिस तरीके से मिला है, लेकिन आप लोगों का जो आकलन है उसके मुताबिक क्या खतरा अभी टला नहीं है? अभी जो अगले 48 घंटों तक जो है प्रदेश का जो उत्तरी इलाका है वहाँ पे लाइट रेन और थंडर स्टॉर्म की एक्टिविटी हो सकती है। जी जी गुप्ता साहब, इससे पहले ये जो आपदा आई, अचानक आई और दोनों ही सूबों में करीब 80 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, लेकिन अब जब हमें पता है कि मौसम विभाग की ओर से भी आप लोग भी ये कह रहे हैं कि ये खतरा अभी टला नहीं है और 48 घंटे जो हैं वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं, किस तरह के इंतज़ाम किए जाने चाहिए सरकार और निजी तौर पर? ये क्या कि इसमें आम जनता को जागरूक होना है कि जब इस तरह का सिस्टम हो तो खास करके ओपन में ना जाएं, पेड़ों के नीचे ना जाएं और जहाँ पे लूज सीट हैं ऊपर घरों के ऊपर जनरली वो हवा में उड़ करके लग जाती हैं तो इससे घायल होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो इन सब चीजों से आम पब्लिक को सभी को मतलब ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोई जानकारी आप लोगों के पास आ रही है कि आखिर इसकी वजह क्या रही? क्योंकि ऐसी जो घटनाएं होती हैं, अचानक बारिश का आना या आंधी तूफान का आना, पहले से इसकी भूमिका बन जाती है।
हाँ नहीं, ये अचानक नहीं था, ये इसका तो पूर्वानुमान था और दिया भी गया था। और इसका इसके पीछे कारण था कि एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है और एक ट्रफ लाइन है जो कि उत्तर प्रदेश से पास हो रही थी, और तीसरा बंगाल की खाड़ी से हवा में नमी थी। तो ये इन सब फैक्टर मिल करके ये कल का जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हुई है वो इसी का कारण है। उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन कौन से इलाके रहेंगे सर जो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हो सकते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है लोगों को अगले 48 घंटे में? अब जैसे बताया कि ये जो उत्तरी उत्तर प्रदेश का उत्तरी इलाका है वो खास करके प्रभावित होगा, पर अभी इतना नहीं है, मतलब लाइट टू मॉडरेट रेन होगी और थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी होगी जिसमें गस्ती विंड से 25 से 30 किलोमीटर की स्पीड तक हो सकती है। और ये खास करके ये जैसे जिले हैं आपके उत्तरी क्षेत्र के, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, पीलीभीत, खीरी, और ये जो उत्तरी इलाका है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, जैसे कि आपका बहराइच, सीतापुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, एस के नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, ये जो उत्तरी इलाका वाले क्षेत्र हैं यहाँ पे एक्टिविटी होने की संभावना है। जी, ये एक्टिविटीज किस तरह की हो सकती हैं? बारिश हो सकती है, आंधी तूफान, क्योंकि किसानों को भी ये आशंका है कि अगर ओले पड़ते हैं तो उनकी फसलों को नुकसान हो सकता है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? अब किसान भाइयों के लिए तो ये है कि जो जिनकी फसल कट गई है, रखी हुई है, अगर पानी गिर जाता है तो गीली हो जाती है, इसे सूखने में थोड़ा समय लग सकता है, और जो आम वगैरह के लिए है, तेज हवाएं चलने से फल गिर सकते हैं, ये नुकसान होने हो सकता है। जी, कुछ इलाकों में ओले पड़ने की भी संभावना है सर? नहीं, अभी इस दौरान ओले की संभावना नहीं है। ठीक है, शुक्रिया आपका हमसे ये बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं कामरान आगरा से हमारे साथ फोन लाइन पर। कामरान, वहां पर इंतजाम अभी तक क्या किए गए हैं और क्या स्थिति है, क्योंकि जो पिछले कुछ घंटे हैं वो बेहद संवेदनशील रहे हैं मौसम के लिहाज से। बिल्कुल, जिस तरह से जो आसमान से जो कल कुदरत का जो रात को कहर बरसा था उसने पूरे ताज नगरी को मातम के रूप में बदल दिया, और जहां तक कैजुअल्टी का सवाल है तो वो लगभग सुबह के करीब लगभग 2623 बताई जा रही थी, उसके बाद 12 बजे जो 36 के अंदर तब्दील होगा, लेकिन अभी तक की जो अपडेट फिलहाल है तो जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि अभी तक 40 कैजुअल्टी हो चुकी है और उससे ऊपर भी हो सकती है। और जहां तक इंतजाम की बात करी जाए तो पूरे का पूरा प्रशासन इस पूरी मामले से बिल्कुल बेकार साबित, नाकाम साबित हो गया। SN मेडिकल कॉलेज में बिल्कुल भी व्यवस्था चरमरा गई है, कोई इलाज के लिए कुछ नहीं है, ना ही वहाँ पर ऑक्सीजन है और ना ही वहाँ पर डॉक्टर मौजूद है। जहाँ तक मौसम विभाग का सवाल है तो मौसम विभाग ने किसी तरह का कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया है। इससे पहले जब 11 अप्रैल को यहाँ पर जो तूफान में तब्दील हुआ था उसके दूसरे दिन मौसम विभाग ने इस तरह का ऐलान किया था, अलर्ट जारी किया था कि संभावना है, लेकिन कल मौसम विभाग ने किसी भी तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं किया। उसके साथ ही साथ प्रशासन भी जो है नाकाम साबित रहा, क्योंकि प्रशासन के पास कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं थी। पूरी तरह से दक्षिणांचल की अगर बात करें तो दक्षिणांचल के जो पोल थे, जो सरिया थे, और जिस तरह से जो कमरे थे वो बिल्कुल तरह से जर्जर हालत में थे, जिसकी वजह से और क्षतिग्रस्त पूरा का पूरा शहर हो गया। पूरी व्यवस्थाएं जो अगर बिजली की बात करी जाए तो पूरी बिजली रात से ठप थी। आगरा के कौन कौन से इलाके रहे हैं कामरान जो सबसे ज्यादा इस तबाही से प्रभावित हुए हैं? देखिए, जहाँ तक शहर का सवाल है तो शहर के इलाकों में सिर्फ और सिर्फ बिजली ठप थी और जो है जलभराव हुआ है, और जो रोड थे, जो जैसे इसको लाइफ लाइन कहा जाता है MG रोड को, वो पूरी तरह से चौक हो गया था, जाम हो गया था। और अगर इसकी बात करी जाए क्षतिग्रस्त होने की, और जो कैजुअल्टी हुई है वो ज्यादातर फतेहाबाद, बहा, अचनेरा, किरावली, इरादत नगर, ये वो इलाके हैं जहां पर सरकार और प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। सबसे ज्यादा जो मौतें जो हुई हैं वो इन्हीं इलाकों में से हुई हैं। प्रभावित इलाकों में क्या अब सरकार की ओर से कोई इंतजाम दिख रहे हैं राहत को लेकर? देखिए, सरकार का भी अभी जिलाधिकारी का साफ तौर पर कहना था जो मृतक है उनको करीब 4 लाख की जो है मुआवजा दिया जाएगा, उसके अलावा घायलों को भी सहायता राशि दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार आखिर क्यों इस तरह की व्यवस्थाओं से निपटने के लिए तैयार नहीं है, क्यों इस तरह की मदद
देके एक तरह से एक झूठा आश्वासन दिया जाता है। हालांकि अगर ये लोग पहले ही अलर्ट हो जाएं सारी चीजों से तो शायद ये घटना है इनसे एक हद तक बचा जा सके। ठीक है, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए कामरान। तो बुधवार देर रात आए आंधी तूफान ने पूरे प्रदेश में भारी तबाही मचा दी है। इस तूफान में जहां पूरे प्रदेश में 33 लोगों के मारे जाने की खबर है, वहीं अकेले आगरा मंडल में 24 लोग मारे गए हैं। इस तूफान ने फसलों को भी खासा नुकसान पहुंचाया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटों में यूपी के गोरखपुर, देवरिया, बलिया, महाराजगंज और बहराइच के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली, मुरादाबाद और मेरठ से भी जुड़े इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। आपको बताऊं, कल जो 7 बजे से जो आंधी आने का जो सिलसिला हुआ देर रात तक चला, इसमें से 5 मंडल प्रमुख रूप से प्रभावित हुए, मुरादाबाद मंडल, सहारनपुर मंडल, अलीगढ़, मेरठ और आगरा। सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी एक जगह हुआ तो आगरा मंडल के आगरा ज़िले में हुआ, जहाँ करीब करीब डेथ्स, जो ह्यूमन डेथ्स हैं वो करीब 40 हुई, जिसकी वो संख्या और धीरे धीरे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि एक आध घंटे में ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा।